हे गाइज, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, यह है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का ट्यूटोरियल नंबर 37। अगर आपने अभी तक ट्यूटोरियल नंबर 36 नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह है इंसर्ट मेनू का पार्ट 11, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा फॉर्म कंट्रोल के कुछ ऑप्शन के बारे में, जैसे कि लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, डिजाइन मोड और कंट्रोल विजार्ड ऑप्शन के बारे में। ओके, तो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपना लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लिया है। अगर आपने अभी तक इसको स्टार्ट नहीं किया है तो आप अपने स्टार्ट मेनू पे क्लिक करिए, और स्टार्ट मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है इम्प्रेस, और इम्प्रेस सर्च करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से इंटर का बटन प्रेस कर देना है। इसको प्रेस करते ही आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अगर आपके सिस्टम में लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, और इजीली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन का मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां पे क्लिक करके आप मेरे उस वीडियो को देखकर इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, और सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे वाले प्लेसहोल्डर को डिलीट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इस पे राइट क्लिक करके मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेरा स्लाइड है ये पूरा का पूरा यहाँ पे खाली हो गया। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेरा फॉर्म कंट्रोल ऑप्शन है इसके अंदर पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है लेबल का। तो इसके लिए आपको जाना है आपके अपने इंसर्ट मेनू में, इसके बाद आपको जाना है फॉर्म कंट्रोल ऑप्शन में, और इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलेगा लेबल का। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका लेबल का ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने स्लाइड के ऊपर जाकर इसको ड्रा कर देना है। तो मैंने इसको यहाँ पे ड्रा कर दिया। इसको यहाँ पे ड्रा करने के बाद आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल प्रॉपर्टीज का। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। आप चाहें तो टूल्स मेनू में जाकर भी इस ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए आपको जाना है आपके अपने टूल्स मेनू में, इसके बाद आपको जाना है फॉर्म ऑप्शन में, और इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल प्रॉपर्टीज ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दो टैब मिलेगा। पहला आपको मिलेगा जनरल का, और दूसरा आपको मिलेगा इवेंट का, जो मैं आपको बटन में करके बताऊंगा। तो आपको फर्स्ट यहाँ पे जनरल के ऊपर क्लिक करना है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टाइप है लेबल। तो आपको यहाँ पर इस नाम को रिमूव करना है, और लेबल वाले नाम को रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पर आपका अपना जो भी टेक्स्ट टाइप करना है आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया सिंपल फॉर्म। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर टाइप किया सिंपल फॉर्म। इसके बाद आपको यहाँ पे डाउन साइड में एक ऑप्शन मिलेगा फंड के नाम से। तो आप इसके थ्री डॉट पे क्लिक कर दीजिए, और थ्री डॉट पे क्लिक करने से आपका कैरेक्टर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे अलग अलग फंड के स्टाइल मिलेंगे, जिसको आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने फंड का नाम टाइप कर दिया इम्पैक्ट। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको बोल्ड और इटैलिक दोनों कर दिया। इसके बाद मैंने इसका साइज यहाँ पे 20 पॉइंट कर दिया, और ये करने के बाद मैंने यहाँ से
ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मेरा लेबल है ये यहाँ पे एडिट हो गया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको इसमें और भी सेटअप मिलेंगे जिसको आप इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया है अलाइनमेंट, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। नीचे आपको मिलेगा बैकग्राउंड कलर, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपने बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पर अपने बॉर्डर को भी सेट कर सकते हैं। ओके, सेटअप करने के बाद आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने लेबल को क्रिएट कर दिया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स का, तो इसके लिए आपको जाना है आपके अपने इंसर्ट मेनू में। इसके बाद आपको जाना है फॉर्म ऑप्शन में, और इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स के नाम से, तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने से आपका ये टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने स्लाइड के ऊपर जाकर इसको ड्रा कर देना है। इसको ड्रा करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो गया। और टेक्स्ट बॉक्स को एडिट करने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करिए। इसके बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल प्रॉपर्टीज ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने से इसका पूरा सेटअप यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है अगर इसके अंदर आप यहाँ पर कोई नाम लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे डाउन साइड में जाना है। और डाउन साइड में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का, तो आपको इसके बॉक्स में क्लिक करना है और आपको यहाँ पर जो कुछ भी नाम टाइप करना है आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टेक्निकल देव। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया टेक्निकल देव, लेकिन ये जो मेरा नाम है ये मेरे बॉक्स के अंदर दिखाई नहीं दे रहा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका ये नाम है ये आपके बॉक्स के अंदर दिखाई दे, तो उसके लिए आपको किसी दूसरे बॉक्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और दूसरे बॉक्स के ऊपर क्लिक करते ही ये आपका नाम आपके बॉक्स में आ जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक फंड का ऑप्शन मिलेगा, तो आपके इसके थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपका कैरेक्टर का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आप जाकर आप अपने टेक्स्ट के लिए अलग अलग सेटअप कर सकते हैं। तो मैंने अपने फंड का नाम टाइप कर दिया कॉन्स्टेंटिया। इसके बाद मैंने इसका स्टाइल कर दिया यहाँ पे इटैलिक, और मैंने इसका साइज यहाँ पर 20 पॉइंट कर दिया। और ये करने के बाद आपको यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा ये टेक्स्ट है इसका साइज और स्टाइल चेंज हो गया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा अलाइनमेंट का, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। और नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा इसका बैकग्राउंड कलर, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप इसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको इसका बॉर्डर मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको फ्लैट कर दीजिए, और फ्लैट करते ही इसका बॉर्डर आ जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, इसमें और भी यहाँ पे सेटिंग है जिसको आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लोज के ऊपर क्लिक करके इसको क्लोज कर देना है। इसको क्लोज करते ही आपका ये सेटअप बंद हो जाएगा। इसको क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलेगा चेक बॉक्स का, तो इसके लिए आपको जाना है आपके अपने इंसर्ट मेनू में। इसके बाद आपको जाना है फॉर्म कंट्रोल ऑप्शन में, और इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलेगा चेक बॉक्स का, तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने से आपका ये चेक बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा, जिसको आप डायरेक्टली आप अपने स्लाइड के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे ड्रा कर दिया। इसको ड्रा करने के बाद अगर आप चाहते हैं इसको एडिट करना, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करिए,
इसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल प्रॉपर्टीज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसका पूरा कंट्रोल प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइप है लेबल, तो आपको इस लेबल को रिमूव करना है और आपको यहाँ पर जो कुछ भी नाम टाइप करना है आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टेक देव। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया टेक देव। इसके बाद आपको यहाँ पर इसको डाउन साइड में लेकर जाना है, और इसको डाउन साइड में लेकर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फंट के नाम से, तो आपको इसके थ्री डॉट पे क्लिक करना है। और थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करने से इसका मेन सेटअप ओपन हो जाएगा, जिसमें आप जाकर आप अपने टेक्स्ट के लिए सेटअप कर सकते हैं। तो मैं इसका फंड का नाम टाइप कर देता हूँ एरियल। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसका स्टाइल कर दिया इटैलिक, और मैंने इसका साइज यहाँ पे कर दिया 20 पॉइंट, और इसके बाद मैंने यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, इसका सेटअप यहाँ पर हो गया। अगर आपको और भी सेटअप करना है तो आप यहाँ पे डाउन साइड में जाकर आप इसका सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया इसका स्टाइल, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसको फ्लैट कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड कलर के नाम से, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें कोई कलर भी यहाँ से फिलअप कर सकते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, ये सब सेटअप करने के बाद आपको यहाँ पर एक बटन मिलेगा क्लोज का, तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने से आपका ये सेटअप बंद हो जाएगा। ओके, अगर आप चाहते हैं कि जो आपका चेकबॉक्स है ये वर्क करे, तो उसके लिए आपको जाना है आपके अपने टूल्स मेनू में। इसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म में जाकर डिजाइन मोड को बंद करना है, और इसको बंद करने के बाद अब आप अपने चेकबॉक्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अगर आप अपना डिजाइन मोड बंद नहीं करेंगे तो जो आपका चेकबॉक्स है ये वर्क नहीं करेगा। ओके, तो ये था हमारा चेकबॉक्स ऑप्शन। इसके बाद आपको यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन बटन का, तो इसके लिए आपको जाना है आपके अपने इंसर्ट मेनू में। इसके बाद आपको जाना है फॉर्म कंट्रोल ऑप्शन में, और इसमें जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा ऑप्शन बटन है ये यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा डिजाइन मोड है वो बंद हो गया है। अगर आप उसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको जाना है आपके अपने टूल्स मेनू में, इसके बाद फॉर्म ऑप्शन में, और आपको यहाँ पर अपना डिजाइन मोड ऑन करने के लिए आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने से आपका डिजाइन मोड चालू हो जाएगा। इसके बाद आपको जाना है आपके अपने इंसर्ट मेनू में, इसके बाद आपको जाना है फॉर्म कंट्रोल ऑप्शन में, और इसमें जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं मेरा ऑप्शन बटन हाईलाइट हो गया। इसके बाद आपको एक बार यहां पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इसको यहां पे ड्रा कर देना है। इसको ड्रा करने के बाद अगर आपको इसका सेटअप करना है तो आप यहां पे राइट क्लिक करिए। इसके बाद आपको यहां पर कंट्रोल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करना है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपने ऑप्शन बटन को आसानी से एडिट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आपने यहाँ पे लेबल और टेक्स्ट बॉक्स और चेक बॉक्स को किया है, वैसे ही आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं इसको यहाँ से एडिट करता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया है लेबल, तो मैंने इसका लेबल यहाँ पे चेंज कर दिया, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया वेलकम। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने स्क्रॉल बार को डाउन साइड में करना है, और इसको डाउन साइड में करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फंड के नाम से, तो आपको इसके थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपका कैरेक्टर का सेटअप ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपने टेक्स्ट का सेटअप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एरियल, इसके बाद मैंने इसका स्टाइल यहाँ पे कर दिया बोल्ड और इटैलिक। इसके बाद मैंने इसका साइज यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, और मैंने यहाँ पे कर दिया इसको 24 पॉइंट।
पॉइंट, इसके बाद मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा ऑप्शन बटन है ये यहाँ पर एडिट हो गया। इसको एडिट करने के बाद आपको अपने कंट्रोल प्रॉपर्टीज को बंद करना है। इसको क्लोज करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि जो आपका बटन है ये एक फॉर्म की तरह काम करे, तो इसके लिए आप जाएंगे आप अपने टूल्स मेनू में। इसके बाद आपको जाना है फॉर्म ऑप्शन में। इसके बाद आपको यहाँ पर डिजाइन मोड को ऑफ करना है। इसको बंद करते ही आपका कंट्रोल विजार्ड का ऑप्शन चालू हो जाएगा। अगर आपका कंट्रोल विजार्ड का ऑप्शन चालू नहीं है तो आप यहाँ पर टूल्स मेनू में जाकर, इसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म में जाकर कंट्रोल विजार्ड के ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपने फॉर्म को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा ऑप्शन बटन और डिजाइन मोड कंट्रोल विजार्ड ऑप्शन। ओके, तो ये थे फॉर्म कंट्रोल के कुछ ऑप्शन जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।